चैप्टर चल रहा था सेकंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, चैप्टर सेकंड था अपना फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसके कुछ एक पार्ट हमने सॉल्व किए थे, जैसे फ्रैक्शन की डेसिमल डेफिनेशन की थी, के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन then improper fraction, then mixed fraction, like fraction, then unlike fraction, यहाँ से का पार्ट सेकंड क्लास में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सिक्स। और सिक्स पार्ट में था अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मींस क्या होता है, जो दिखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन रियल लाइफ में एक जैसे। कैसे, मान ले लिखा देखो, मैंने 1 अपॉन 2 लिखा, 3 अपॉन 6 लिखा, ठीक है 5 अपॉन 10 लिखा। अब देखो जब इनको एक्चुअली स्कोप किया देखा है इसको मैंने, तो ये क्या लग रहा है, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 और 5 अपॉन 2, ये फ्रैक्शन देख के अंदर अलग अलग है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, अरे देखो 3 बन जा 3 3 प्लस 6 एंड 3 अपॉन 6 को भी हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2, 5 बन जा 5 5 हो जा रहे हैं, यानी 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, इट इज 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 एंड 5 अपॉन 10। सबके सब क्या थे, एक जैसी टर्म्स है, इनको हम लोग कह देते हैं इक्विवेलेंट। कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि 5, 4 या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जैसे मान लिया आपने 3 अपॉन 2 ले लिया, 3 अपॉन 4 ले लिया, 3 अपॉन 4 लिया मैंने और आपको ये कहा राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसके इक्वल दिखने वाले फोर फ्रैक्शन हमें लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू को सेम नंबर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। देखिए एग्जांपल, जैसे कोई फर्स्ट डिजिट को इस पर मुझे मैं यहां लिख दूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वही 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 टू द 6, 4 टू द 8, 3 थ्री द 9, 4 थ्री द 12, 3 4 द 12, 4 4 द 16, इट मींस 3 अपॉन 4, 6 अपॉन 8, 9 अपॉन 12 और 12 अपॉन 16, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस एक जैसे हैं। सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या है, एक जैसे, क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किसको किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसको मल्टीप्लाई किया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किसी एक होल नंबर से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 होल नंबर था, 3 और 3 होल नंबर था, 4 और 4 होल नंबर, सबसे हमने आपस में क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया। अभी बात करें तो ये हुआ अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट के बाद आता है, अब तक तो हमें सिंपल फ्रैक्शंस मिलते थे, लाइक मिले थे, अनलाइक भी मिले थे, लाइक में क्या थे, इसके डिनोमिनेटर्स क्या थे, इक्वल थे, है ना, अनलाइक वो थे इसके डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर दोनों अलग अलग थे। क्या हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं,
can grow. Unlike vectors grow, like vectors even word, plus a square area. से पहले एक चीज और सीखते हैं, कंपेयर करना। कंपेयर इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग फ्रैक्शंस को, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि क्या है अनलाइक है। जैसे लिखा है कमांड लाइन में 5/8 एंड 5/9, और एक साइड लिखा मैंने इसका उल्टा, एक अनलाइक का था, इस साइड लिखा मैंने लाइक के लिए, और लाइक के लिए लिखा मैंने 8/5 एंड 9/9। देखो दोनों तो सेम लिखा है, नंबर में रिवर्स कर दिया, यहाँ इसको उल्टा कर दिया, न्यूमेरेटर में उल्टा एक्सेस कर दिए, वहां भी वही थी। तो अब मैं करने ताकि दिमाग में जो सेट हो गया है इसके साथ। जब मैंने अनलाइक की बात, इसकी बात की मैंने अनलाइक, तो अनलाइक देखो यहाँ पे 5/8 है और इधर 5/9 है, न्यूमरेटर दोनों के इक्वल चल रहे हैं पहले से, न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शंस के क्या है इक्वल, बट डिनोमिनेटर दोनों के क्या है अनइक्वल, बट डिनोमिनेटर दोनों के क्या है अनइक्वल है। जब डिनोमिनेटर दोनों के अनइक्वल हो, न्यूमरेटर दोनों का इक्वल हो, उस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है बड़ा होता है, जो डिनोमिनेटर क्या होता है बड़ा होता है, तो ही फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9, क्या होगा इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, क्या होगी बड़ी होगी, इस कंडीशन में अनलाइक हो जाएगा। क्या करना उल्टा होगा, याद रखते 5/8 और 5/9 दो फैक्टर दिए, दोनों का न्यूमरेटर क्या था इक्वल था, अब इक्वल होते हमें ये देखो डिनोमिनेटर दोनों क्या नहीं इक्वल मिले, एक 8 मिला और एक 9 मिला, तो 8 और 9 को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरा 8 क्या था बड़ा था, इससे बड़ा था 8 9 से, क्या क्या नहीं था, 8 इज लेस देन 9 था, 8 इज लेस देन 9 था। तो अनलाइक की कंडीशन में ये ध्यान रखना है, जब डिनोमिनेटर में जो छोटा डिनोमिनेटर होगा उसका फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा होगा, उसका फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। अब इसके अपोजिट में बात करें, इधर 8/5 5/7 एंड सेकंड पार्ट दिया मैंने आपको
3 upon 5. We like to take a life, so 5 upon 7, 3 upon 5, only unlike the number, you have to know what we literally equal and like to look at the number. Okay? In 2 kya karna hai? Like kya karna hai? So like to convert karne ke liye, dono ke jo denominator value hai, uska hum log lete hain LCM. Kya hai LCM of 7 and 5. हमने 7 और 5 का क्या ले लिया एलसीएम दैट इज 35 एलसीएम तो लेना सबको आते ही है ना ये जो बैठे हैं एलसीएम ये 7 और ये 5 5 आए तो कितना भी आएगा 7 7 कितना भी आएगा 7 5 का 35 बन जाएगा है ना अब यहां लिखा हुआ है 5 और 7 ये मल्टीप्लाई करेगा किसी से यहां लिखा 3 अपॉन 5 ये भी किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इक्वल बनेंगे अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे कितना मिल जाए 35 7 को किस न्यूमेरिकल वैल्यू है किस होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मैं 35 मिल जाए 7 5 से 35 होता है तो 5 अपॉन 5 से किया एक मिनट कैसे बना रहे हैं ना 5 किससे करेंगे आप 7 से 5 5 का 25 और 7 का 35 7 3 का 21 और 5 7 का 35 देखो दोनों के डिनोमिनेटर 35 और 35 बन चुके हैं इट मींस लाइक टू बदल दे अब कंपेयर करें कौन बड़ा कौन छोटा 25 इज ग्रेटर देन 21 तो 25 अपॉन 35 इज ग्रेटर देन 21 अपॉन 35 देखिए रियल एलिमेंट 25 किससे इक्वल था 5 अपॉन 7 के इट मींस 5 upon 7 is greater than 3 upon 5. 5 upon 7 is greater than 3 upon 5. Clear? चलेंगे example और देखें इसका. आपसे समझ आए चीज को क्योंकि आपके ये बहुत सारे ड्रामा चल रहे हैं. ठीक है? जैसे मान लीजिए 2 upon 3 and 7 upon 6 2 or 3 or 6 is the denominator क्या इक्वल है क्या नहीं है नहीं है इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे एलसीएम किसका लेंगे 3 और 6 का तो 2 1 का 2 होता है और 2 3 का 6 और 3 1 का 3 एलसीएम क्या 2 और 3 का कितना मिलेगा मुझे 6 समझ आया क्या हो गया 6 इस 3 को क्या बोला गया 6 तो 3 को 6 बना लेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये लो 2 ले लिया 7 अपॉन 6 ये तो ऑलरेडी 6 है तो 6 बन गया 6 है ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना तो 10 के बाद में ये 2 2 का 4 2 3 का 6 7 बन गया 7 6 बन गया 6 दोनों के डिनोमिनेटर हमने इक्वल बना दिए यहां पर कंपेयर करते क्या दिखेगा हमें 7 इज ग्रेटर देन 4 देन 7 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 6 और 4 अपॉन 6 किसको ग्रेटर करता था 2 अपॉन 3 को इट इज 2 अपॉन 3 इज लेस देन 7 अपॉन 6 आई पास में एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइम का मान लीजिए हमने 1 upon 9 and 3 upon 5 तो हमें ये पता है पहले क्या करना है 9 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 9 5 का एलसीएम 45 आएगा क्योंकि 5 के लिए कोई 9 आता नहीं है इसलिए हमें 9 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है अगर आप एलसीएम निकालना नहीं आए 9 मल्टीप्लाई करके देना मैं करते रहता हूं ठीक है यानी 1 अपॉन 9 को कन्वर्ट करेंगे हम लोग 45 डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग है ना और इधर करेंगे 3 अपॉन 5 को कन्वर्ट करेंगे 45 के अकॉर्डिंग तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 बन जाएगा 9 5 का 45 और 5 9 का 45 मल्टीप्लाई करते 5 बन जाए 5 9 बन जाए 9 5 का 45 9 3 का 27 9 5 का 45 अब
पर क्या दिया देखो 27 upon 45 is greater than 5 upon 45. It means 3 upon 5 is greater than 1 upon 9. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है, ठीक है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन दिया मैंने ई वैल्यू के, यानी सॉल्व करो फर्स्ट पार्ट का वाले मैंने इसका कि 4 upon 7 plus 3 upon 5 मुझे इसको ऐड करना है ना। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब हमने कंपेयर किया था तो कंपेयर में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं थे कि हमने पहले इसको किसमें कन्वर्ट किया था, इक्वल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया या था हमने। जब कभी एडिशन की सब्ट्रैक्शन की बात होगी उस समय हमें पहले इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है तो कोई टेंशन नहीं है लेकिन समय उसको पहले इक्वल करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और इक्वल करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं हमेशा उसका एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे 7 of 5 का LCM of 7 and 5 is equal to 39. ठीक है, LCM मिला मुझे कितना 35। देखो बात को आराम से समझना, मैं क्या कहने जा रहा हूँ और क्या होगा इसके साथ। इससे पहले आपने क्या क्या सीखा हुआ है मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि आपको इस फैक्शन के समझने में इससे अच्छे लगता है, लेकिन प्रॉपर मैथड क्या होता है आपको बताता हूँ। ये जो डिनोमिनेटर है वो इस एलसीएम को क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी 7 की टेबल में 35 को हमें डिक्टेट करना पड़ता है कितनी टाइम आता है। तो 7 की टेबल में 35 मिलता है हमें 5 टाइम, कितना मिलता है हमें 5 टाइम। तो ये लिख दिया देखो मैंने यहाँ 5, यानी 7 35 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कितनी टाइम कर रहा है 5 टाइम। 5 क्या करेगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 मल्टीप्लाई कर दो स्टार्टिंग के एक या दो क्वेश्चन में से लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद लिखने का काम नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ठीक है। सेकंड में देखो 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, 35 को, कितनी टाइम डिवाइड करेगा हमें वो 7 टाइम। फिर 7 डिग्री से यानी न्यूमरेटर से क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये 7 टाइम किया था और 3 से करा है मल्टीप्लाई। देखो 5 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करते बनाए 20 और 7 में 3 से मल्टीप्लाई करते बनाए 21 अपॉन तो मिल गया मुझे 35 जो पहले से पढ़ा था। 20 और 21 दोनों ऐड करते बना 41 अपॉन 35। तो अगर मैं 4 अपॉन 7 और 3 अपॉन 5 को ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 4 अपॉन 41 अपॉन 35। क्या समझा होगा आपने, फर्स्ट ऑफ हमने क्या किया था 7 5 का लिया था हमने एलसीएम जो मिला था मुझे 35। फिर 7 की टेबल से 35 को क्या किया था हमने पहले डिवाइड किया था, यानी 7 कौन था अपना डिनोमिनेटर वैल्यू, किससे डिवाइड कर रही थी एलसीएम से, ठीक है। 7 5 का डिवाइड करने पर कितना मिला हमें 5, तो ये लिखा देखो हमने यहाँ 5। ये 5 क्या करेगा, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, क्लियर। फिर ये प्लस का प्लस साइन लगाया मैंने बीच में, फिर यहां कौन है डिनोमिनेटर अपना 7, 7 किससे डिवाइड करेगा पहले 35 यानी एलसीएम को डिवाइड करेगा 5 7 का 35 और 35 कितनी टाइम गया था 7 टाइम। 7 क्या करेगा, इस न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 3 जा 21 5 4 जा 20 दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन था, ऐड कर दिया 41 और 35। एक क्वेश्चन और समझते हैं क्योंकि हमारी होती है ये मैथ्स और मैथ्स में एक ही क्वेश्चन में बाद में समझ में नहीं आती, कोई बात एक बार में ही समझ में नहीं आती कि ये क्या श्योर हो, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लिखा मैंने 7 अपॉन 9
प्लस 5 अपॉन 7। ठीक है, अब देखो 7 9 के बराबर नहीं आता, 9 के बराबर 7 नहीं आता, 9 7 के बराबर 9 आता है, तो इधर ऐसे मिलते, ऐसे ऐसे निकालने का तरीका आपको पता है, एलसीएम है 9 एंड 7 9 7 18। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, 9 7 का एलसीएम कितना मिला हमें, 16। ये तो क्या किया था, इस डिनोमिनेटर 9 को किसके लिए भेजा था, 63 यानी एलसीएम के लिए, ताकि एलसीएम को जाके क्या करे, डिवाइड करे, तो 9 टेबल में 63 कितना आया था, 7 आया, तो ये 7 किसका आया, डिवाइड का सॉल्यूशन। ये क्या करेगा, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, किससे मल्टीप्लाई करेगा, 7 से, ये प्लस का प्लस, या और हमें डिनोमिनेटर अपना 7, इसको डिवाइड करेगा एलसीएम को, 7 9 63 एलसीएम करे, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई किससे करेगा, न्यूमरेटर 5 से, 7 7 49, 9 5 45 अपॉन में 63 एलसीएम के सामने करते दोनों को है, 9 5 15 5 4 1 94 upon 63 is the answer of the question. Move करते हैं next question की तरफ, देखते हैं next question हमारा क्या कहता है। अब तक हमने केवल 2-digit number को देखा है ना, and 2 fractions दे रखे थे हमें एक साथ में, अब अगर आपको 2 fractions के स्थान पर अगर आपको 3 फ्रैक्शन साथ साथ मिल जाए तो आपके साथ क्या होगा, मान लिया मैंने एग्जांपल नंबर पढ़ लिया आपके पास, मैं लिखा 5 upon 7 minus 2 upon 3 प्लस 4 upon 9, इस बार पॉजिटिव है क्योंकि मैंने दोनों साथ मिल लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर कौन कौन है आपके पास, 7 3 and 9, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एलसीएम 7 3 और 9, ये 3 से 7 3 बन जाए 3 3 3 जाना है, ये 3 से 7 1 1 और लास्ट 7 से 1 1 और 1, ऐसे क्या हो गया, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 है ना, कितने 9 7 63 आते हो, ये प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को क्या किया था हमने, डिवाइड किया था, तो 7 के टेबल 63 रहने का हमने 9 का है, यानी का 9 टाइम तो वो आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 डिवाइड करेगा इसे, आप तो इसी से डिवाइड कैसे करो, देखो मेरे इसी नीचे है सर, मैंने इसके फैक्टर्स लिख रखे हैं आपके पास के लिए, 3 3 और 7 है ना, इससे डिवाइड कर रहा हूं मैं 3 से, तो ये 3 को यहां से रिमूव कर देते हैं, बस ये कौन 3 और 7 7 3 जा 31 प्लस 9 7 जाता है 7 मल्टीप्लाई बाय 4, बस एक किया बढ़ाया बाकी कुछ भी नहीं चेंज किया हमने, 9 5 का 45 ये हो गया माइनस का 42 और ये 7 4 जा 28 अपॉन 63 45 और 20 दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड करके 73 बन गए, ये माइनस 42 कर देते हैं अपॉन में 63 सबट्रैक्शन में मिला 1 ये 31 अपॉन 63 अगर मैं इसको ऐड करूं सेपरेट करूं तो आंसर अपना इतना आ जाएगा, क्लियर है बात यहां तक, अगर यहां तक समझ आ गया तो एंट्री कर लो फटाफट, देखते हैं क्या क्या होगा इस टाइप का।
ऑप्शन लिखा मान लिया मैंने 1/8 - 2/5 + 11/3 8, 5 और 3 है ना। पहले ऐसे किस करेंगे 8, 5 और 3 का हमें ये बताएंगे देखो 3 की जगह 5 नहीं आता, 5 की जगह 3 नहीं आता, 3 की जगह 8 नहीं आता, 5 की जगह 8 नहीं आता, दैट मल्टीप्लाई करते हो देखो बन के पता 8, 5 = 40 और 40 की जगह 140 ठीक है। तो ऐसे कितना मिलेगा इसका हमें 140 8 = 15 15 - 40 - 11/4 = 440 + 11/4 = 440 पहले सब्सट्रैक्शन 15 में से 8 लेस किया 7, 4 में से 4 लेस किया 0 और 407/120 ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया।